हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज, जी हां, बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो 10 मिनट में जो है रद्द हो जाएगी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी पूरी ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो प्रूफ भी आपको मैं दिखाऊंगा। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, नीचे कमेंट करके ना एक दूसरे की टांग ना खींचे कि किसने पैसे दिए हैं। कोई अगर रद्द कराने के लिए नहीं चाहता कि एग्जाम कैंसिल ना हो और जेएसएससी का एग्जाम का रिजल्ट आ जाए, तो देखिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अच्छे से एग्जाम दिया है और उनका सचमुच में रिजल्ट होने वाला है, तो वो अपनी पीड़ा कहाँ दिखाएंगे। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई रिजल्ट जारी करवाना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो है 20 लाख 25 लाख रुपए किसी को दे दिया है। हो सकता है कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, और ऐसे लोग होते हैं, हमेशा होते हैं और हमेशा होते हुए रहेंगे। लेकिन हाँ, एक सच्चाई ये भी है झारखंड में कि बहुत सारे बच्चे 20 से 25 लाख रुपए देकर सीट भी खरीदते हैं। दैट इज रियलिटी, हार्श रियलिटी, एक्सेप्ट इट। आपको इसे नुगल जो है किसी न किसी तरह से निगलना ही होगा, ये रियलिटी है। तो दोनों चीज़ों को अब देखिए, दूध का दूध पानी का पानी तब होगा ना जब एक जाँच एजेंसी आएगी और बिल्कुल निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका जांच करेगी, अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर रहेगी, तभी वो रिजल्ट जो है सामने आ पाएगा। तो खैर, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमेशा ना आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखोगे तो आपको लगेगा कि सामने वाला गलत है, इसलिए दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है कभी कभी चीज़ों को देख लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कुछ लोगों ने चोरी चकारी करके जो है सिलेक्शन लेने के लिए जो है किया है काम, कुछ लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई की है उनका होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसिल करना चाहते हैं जो एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया है। चलिए अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आपको बात बताऊंगा। सीजीएल एग्जाम का रिजल्ट देते हो तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा, तो ये पहला बात है। और हम चुनाव आयोग को कल ही इसका बारे में ज्ञापन देने जा रहे हैं। नंबर दो, बीजेपी जब हमारे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, उसी शपथ ग्रहण करने का 10 मिनट का बाद हमारा मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करेगा कि सीजीएल एग्जाम रद्द किया जाते हैं, और पहला कैबिनेट में ही नया सीजीएल एग्जाम का डेट दिया जाएगा। देख लिया आपने, यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे थे हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा ये जो है इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जैसे ही बीजेपी का सीएम आता है, जैसे ही शपथ लेंगे, वो 10 मिनट के अंदर, जो मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा था बातें, 10 मिनट के अंदर ये सीजीएल को रद्द कराएंगे, कैबिनेट में बैठक होगी और उसी ही दिन नया डेट अनाउंस कर दिया जाएगा नए सीजीएल का। तो ये बड़ी खबर है। और देखिए एक और बात, सिर्फ सीजीएल ही नहीं, पीजीटी के ऊपर भी जो है बीजेपी की सरकार की नज़र है, और इसके ऊपर भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि पीजीटी में एक ही सेंटर से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में रखिएगा रिगार्डिंग पीजीटी, रिगार्डिंग सीजीएल। जो आपको लग रहा है कि दोनों परीक्षा में धांधली हुई, तो नीचे कमेंट करके आप यस लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी बातें आपको बताई वो ठीक ठाक थी, तो यस लिखिएगा। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई वॉन्ट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पीओवी से बहुत फर्क पड़ता है, आपके आपका जो विचार है उससे। हो सकता है कि मैं सहमत हूँ ना हूँ वो अलग बात है, लेकिन अपनी राय जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।